बिहार में पुल गिरने, बहने और धसने का सिलसिला लगातार जारी है। अब ताजा मामला किशनगंज का है, जहां निर्माणाधीन NH3 से 27 E4 लेन के बीच मैची नदी पर बना पुल धस गया। ये पुल बहादुरगंज से ठाकुरगंज के बीच NH327E पर बन रहा था। गौरी गांव के पास मैची नदी पर बने इस पुल का एक स्पेन शनिवार को धस गया। पुल के धसने की खबर से निर्माण कंपनी समेत NHAI के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। हैरानी की बात तो ये है कि पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन ये पुल अभी आम लोगों के लिए चालू नहीं किया गया था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। बता दें कि अररिया से गलगलिया के बीच 94 किलोमीटर फोर लेन सड़क का निर्माण GR इंफ्रा कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। इस फोर लेन सड़क का निर्माण 2132 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। पुल का स्पेन धसने के बाद लोग निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाने लगे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी के द्वारा किस तरह की गुणवत्ता के आधार पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। अभी बाढ़ का पानी नदी में आया भी नहीं है, सिर्फ बरसात का पानी ही है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर किस कारण से ये पुल का हिस्सा धसा है। आम लोगों के लिए ये अब तक चालू नहीं हुआ है।